आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद का नाम बदले जाने को लेकर बीते एक महीने से विरोध प्रदर्शन और धरना लोगों द्वारा किया जा रहा है। डभौरा का नाम गुलाबगंज ना किया जाए, इसी बात को लेकर डभौरा बाजार बंद का आह्वान किया गया था। वहीं इस बंद के विरोध में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पूरे बाजार में पदयात्रा कर रैली निकाली, जिसमें जमकर नारेबाजी हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष डभौरा ओम प्रकाश और मलिया ने बताया कि नगर परिषद के अंदर कुछ तुक्ष मानसिकता के लोग हैं जो नगर परिषद की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं चुनाव का समय देखकर उनको कुछ राजनीतिक मुद्दा की जरूरत थी, जिससे वह इसी मामले का तूल पकड़ने में लगे हुए हैं। बाजार के व्यापारी, किसान, मजदूर सभी सिरमौर विधायक के साथ हैं, जबकि डभौरा का नाम बदला ही नहीं जा रहा है। ना कोई रिकॉर्ड में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, राजस्व गांव डभौरा ही रहेगा, केवल सभी गांव को मिलाकर बनी नगर परिषद का नाम गुलाबगंज रखा जा रहा है। इस संदेश को पूरे नगर परिषद में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वहीं सिरमौर विधायक ने जब नगर परिषद का गठन कराया, तभी नगर परिषद गुलाबगंज करने की मांग उठी थी। वहीं विरोधी दलों के लोगों को यह सब बातें पच नहीं रही हैं, इसलिए जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोग चुनाव को देखकर अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और दूषित मानसिकता के लोगों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। इसमें ये जो हमारा व्यापार मंडल गठन हुआ है, या गठन नहीं हुआ, ना कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। और ना तो डभौरा का नाम बदल गया, ना तो डभौरा का डभौरा ही नाम रहेगा। डभौरा राजस्व ग्राम है, राजस्व ही रहेगा, कौरिया कौरिया ही रहेगा, पनवाल लटिया जिरंगुआ जो भी गांव है सब इसी नाम से रहेंगे। और सिर्फ गुलाबगंज डभौरा नगर परिषद डभौरा किया गया। क्या कहेंगे आप इसे, मतलब आम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को भ्रमित कर रहे हैं विपक्षी लोग, दो चार लोग हैं मात्र। हमारी जनता को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, डभौरा डभौरा ही रहेगा। नया नगर परिषद बना है, उसका नाम गुलाबगंज रखा गया है, बाकी रेलवे स्टेशन मार्केट सब डभौरा ही रहेगा, डभौरा का अस्तित्व नहीं वो होगा। हाँ, माननीय विधायक जी ने सभी के अनुरोध पर गुलाबगंज को किया। 4-6 साल पहले कुछ जनता लोगों ने कहा था गुलाबगंज रखा जाए, यहाँ पे हमारी जनता को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, डभौरा था डभौरा रहेगा। और कुछ लोगों का हमारी जनता को भिड़काने का था, माननीय विधायक जी का चुनाव आने वाला है, क्या करें कि हमारी जनता गुमराह हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, डभौरा का अस्तित्व कोई नहीं खराब करेगा, डभौरा डभौरा ही रहेगा। और हमारी मार्केट की जनता सब विधायक जी के पक्ष में है, कुछ विपक्षी लोग दो चार लोग हैं जो आप जन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ये डभौरा नगर परिषद बनी तो डभौरा नगर परिषद के ही लोगों की मांग थी कि ये गुलाबगंज के नाम से था, महाराजा गुलाब सिंह के नाम से ये बाजार थी, और डभौरा का नाम भी चेंज नहीं किया गया, इसको डभौरा गुलाबगंज के नाम से जाना जाएगा, ना कि डभौरा का नाम नहीं चेंज किया गया है। जो लोग अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं सामाजिक कार्यकर्ता पर को बताते हैं और समाज में अफवाह फैला रहे हैं कि आपका सारा रिकॉर्ड बनवाना पड़ेगा, सब चीज़ बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, पहले आप हम सबकी जवा तहसील जो त्योंथल लगती थी, फिर बाद में हमारी तहसील जबा हो गई, लेकिन क्या किसी को बदलवाने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं हमारा त्योंथर इसको काट कर और जबा कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप चित्रकूट धाम करवी देख लीजिए, करवी भी है और साथ में चित्रकूट धाम करवी है, इसी तरह डभौरा गुलाबगंज के नाम से जाना जाएगा और डभौरा नगर परिषद डभौरा गुलाबगंज नगर परिषद डभौरा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देखें माननीय विधायक जी का हर जगहों पर निर्णय कि आप हमारे ये तराई क्षेत्र कहीं ना कहीं विकास से वंचित था, एक समुचित व्यवस्था हुई कॉलेज की, और उसको आप सब जानते हैं कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में हमारे यहाँ आदिवासी भाई हैं, वहाँ भगवान बिरसा मुंडा के नाम से कॉलेज दिया गया है, और आप हर जगह चाहे सिरमौर आप देख लीजिए, ऐसे कई जगह हैं जो वीर शहीदों के नाम से हर हमारे यहाँ डभौरा में जितने नगर परिषद के बाहर सीएम राज विद्यालय के इन्हीं पंडित रंजीत राज दीक्षित के नाम से माननीय विधायक जी ने कहा है कि ये जो विद्यालय बनकर जब तैयार होगा तो पंडित रणजीत राज दीक्षित के नाम से जाना जाएगा।